महाराष्ट्र एन्निकल्लो ईवीएंल टैंपरिंग जरिगिंदनी शिवसेना नेता संजय राउत आरोपिंचारु। मोदी अमित षा अदानी ई कुट्रलो भागस्वामुलनी आरोपणलु गुप्पिंचारु। प्रस्तुत फलितालु प्रजा विजयंगा परिगणिंचवद्दन्नारु। तामु ई ओटमिनी अंगीकरिंचमनि पेर्कोन्नारु। राष्ट्रंलो प्रजास्वाम्यं खूनी अयिंदनि आवेदन व्यक्तं चेशारु। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है, महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे उससे ज्यादा आने वाले थे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर राव साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा, ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन आप कह रहे थे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो है, क्या है मतलब अभी में गड़बड़ है? अरे भाई, चलो फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे। करेंगे ना, क्यों ना करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारे एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं, आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी हमारा एक भी नहीं गिरेगा? ये कौन सा भरोसा है, ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता